सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। खासदार असुद्दीन ओवैसी यांच्यावर भ्याड हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांवर कठोर शासन व्हावे, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन। AMIIM पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खासदार बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी व त्यांच्या कारवर उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद ते दिल्ली महामार्गावर छिजारासी येथील असलेल्या पिलुके टोल प्लाझावर झालेल्या हल्ल्यानं देशभरात आक्रोश व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्र अध्यक्ष व खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांच्या आदेशानुसार उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सय्यद रेफत हुसेन यांनी पक्षाचे आजीमाजी पदाधिकारींसोबत जिल्हाधिकारी मार्फत देशाचे महामहिम राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आलं आहे। असदुद्दीन ओवैसी यांच्या गाडीवर गोळीबार करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात मेरठ पोलिसांना यश आलं आहे। घटनास्थळी असलेल्या CCTV माध्यमातून तपास करत पोलिसांनी या दोघांना अटक केली आहे। गुरुवारी संध्याकाळी खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती। खासदार असदुद्दीन ओवैसी हे मेरठवरून परत येत असताना राष्ट्रीय महामार्ग 24 हापुडा गाझियाबाद या ठिकाणी छिजारसी टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या गाडीवर गोळीबार करण्यात आला होता। हल्लेखोरांनी यावेळी 4 राऊंड फायर केले होते। त्या ठिकाणी असलेल्या CCTV मदतीनं पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आहे आणि 2 आरोपींना अटक केली असून घटनेवेळी वापरण्यात आलेले हत्यारही जप्त करण्यात आलं आहे। क्राईम FIR साठी फिरोज खान यांचा रिपोर्ट, नंदुरबार। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और हैदराबाद से सांसद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल UP से प्रचार की रैली ख़त्म करके दिल्ली वापस लौटते समय टोल प्लाज़ा के ऊपर जो कायराना हमला हुआ, उनके कॉन्वॉय पर जो फायरिंग की गई, उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर आज सिर्फ एक सांसद नहीं, आज सिर्फ एक पार्टी के लीडर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के दबे कुचले मजलूम पसमानदा लोगों की आवाज़ है जो बेबाकी के साथ संसद में से लेकर सड़क तक उठती है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला, मतलब देश के संविधान पर हमला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला मतलब इन तमाम दबे कुचले और पसमानदा लोगों के जात पर किया गया हमला है। लिहाजा हुकूमत हिंद इसको हल्के में ना लेते हुए इसको सीरियस ले। सन 1994 से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विधायक और 2004 से चौथी मर्तबा हैदराबाद से सांसद है। वो भले ही उस वक्त से आज तक अपनी सिक्योरिटी के लिए ना कहते रहे, लेकिन आज हुकूमत हिंद की ये जिम्मेदारी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिक्योरिटी फराहम की जाए। दूसरी बात ये कि जिन खातियों ने ये कायराना और बुजदिलाना हमला किया है उनकी गिरफ्तारी तो लगभग हुई है, लेकिन इनके पीछे किन साजिशकर्ताओं का हाथ है, किन लोगों ने साजिश की है, इन बदबख्तों की नार्को टेस्ट होने के बाद में तमाम साजिशों का खुलासा किया जाए और एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए।